जी तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, इनफैक्ट ये सर्वाइकल होता ही नहीं है, बहुत बार तो गैस बबल ही हमारे ट्रैप हो जाता है, तो जिसके कारण ये दिक्कत आने लगती है, मसल की ही प्रॉब्लम होती है और हम उसको बोन लेवल तक ले जाते हैं, सर्वाइकल तक। इट्स नॉट एक्चुअली दैट। मोस्टली क्या होता है, 99% ऑफ द केसेस में स्टिफनेस हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा पोस्चर अपना स्ट्रेट रखें, जब भी बैठे याद रखें तन के रहना है, झुकना नहीं है। और दूसरी बात, आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो तो बेंड कर सकते हैं बेड से। और ये एक्सरसाइजेस जो शोल्डर रोटेशन की हैं, इनको तो जरूर ही करते रहें, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स ईच। और ऐसा प्रेस करके, जैसे आपने राइट हैंड रखा तो लेफ्ट से पूरा सिर का जो हमारा जोर है वो पुश करेंगे हम हाथ के अगेंस्ट, ताकि एक थोड़ी सी हरकत हो ऐसे जोर से, और ऐसे इधर की साइड से इधर से पुश करेंगे और हाथ को इधर, मतलब दोनों को एंटी एक दूसरे के प्रेशर में लाएंगे। तो इन थोड़ी सी चीजों से हेल्प मिलती है। और पानी पीना नहीं भूलेंगे, क्योंकि काम करते करते याद नहीं रहता, अरे पानी भी पीना था। सुबह के 3-4 गिलास हो गए, उसके बाद में खाने से भी, बिफोर एवरी मील आपको 1 गिलास पानी लेना है, 15 to 20 मिनट्स पहले अगर लेंगे तो दैट एक्ट्स एज ए लेबोरेटरी एजेंट। हमारा जो पेट है, वो स्टोमक है, वो भी एक लेबोरेटरी है, जिसमें खूब सारा एसिड है। जब हम खाना डालते हैं तो उसको एसिड उसको डिजोल्व करता है, और उससे जो जो निकलना होता है पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो एक साइंटिस्ट है डॉक्टर परिहार, मैं हमेशा उनको कोट करती हूँ अपनी टॉक्स में, वो कहा करते हैं कि ये स्टमक की लेबोरेटरी में जब हमने 15-20 मिनट पहले खाने से पानी दिया, तो वो पानी एक तो थोड़ी सी लेयर बना देता है मेम्ब्रेन के साथ साथ, ताकि वो एसिड पेनिट्रेट ना हो हमारी स्टमक की वॉल में, तो कभी अल्सर नहीं होगा। और दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ब्रेन को मैसेज दे देता है कि भाई यहाँ पे इतना अभी एसिड मौजूद है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे हमारे जो हार्मोनल सिक्रीशंस हैं, वो पानी के द्वारा जो उसको सिग्नल गया है, उसको पता चल गया कि इतने जेट स्पीड से मुझे इतने लेवल पे इतनी अमाउंट में सब सिक्रीशंस देने हैं, ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, राइट? तो वो पहले पीना बहुत जरूरी है, 15 to 20 मिनट्स आपने पहले पिया, और खाने के फिर 1 घंटा बाद में पानी नहीं पीना है। उसके बाद खूब जोर से प्यास लगेगी और आप 1-2 गिलास आराम से पी जाएंगे। तो इसलिए पानी राइट टाइम पे पीना, राइट क्वांटिटी में पीना, और जब भी कहीं पे भी दर्द महसूस हो बॉडी में, तो ये समझ लेना, मालूम सिर दुख रहा है, स्ट्रेस हुआ, कुछ हुआ, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, बैठ के पियो। उससे क्या होगा कि वो जो ऑर्गेन थर्स्टी है, जिसमें पेन शुरू हुआ है, वो अपने आप सबसाइड हो जाएगा, पेन किलर का काम करेगा पानी। तो नेचुरल वे है आपका स्ट्रेस दूर करने के लिए, पानी पियो और सिर्फ पानी पियो। बड़ा अच्छा आपने पानी की पावर की क्षमता बताई राधिका जी इसमें, और आपने जो बड़ी अच्छी बात बताई कि वो बेड पे जो पीछे आप ऐसे करके वो एक्सरसाइज हाँ, करने का ऐसे आपने करके बताया, लेट। पर हमारा जो यूथ है उनपे अगर आप एक उस पर मुझे और स्पष्टीकरण दे दें कि ऐसा ना हो कि यूथ ऐसे करके बैठे उसमें भी अपना स्मार्टफोन ले ले, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा सेहत के लिए हानिकारक हो सकता हाँ, बस गर्दन को ऐसा सपोर्ट देके, है। जी सपोर्ट देके मतलब बेड की ही साइड में, जो बेड का एज है, जिस पे कुशन है, हमारा गद्दा तो लगा ही हुआ है, तो बस वहां तक गर्दन टिका ले और सिर को थोड़ा पीछे जाने दे, और बिल्कुल रिलैक्स करें। उस टाइम आपके दिमाग में कोई थॉट आएगा ही नहीं, क्योंकि हल्का सा स्ट्रेन शोल्डर्स पे आना शुरू हो जाएगा उससे। और आप पहले शुरू में 2 मिनट्स 3 मिनट्स 5 मिनट्स, अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन रहता है यहाँ पे, तो वो 15 मिनट्स तक भी कर सकता है, और ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक मुझे लगी। और दूसरा, अगर एक मकर आसन आप कर लेंगे, जिसमें लेट कर हम ऐसे कोहनियों को, एल्बोस को
बेड पे या अपने आसन पे या जमीन पे टिका देंगे और ऐसे पीछे को स्ट्रेच किया हुआ है हमने अपना पूरा शरीर, और एक पाँव को ऊपर उठाना है, फिर दूसरे को और फिर दोनों को, ऐसे करके अगर आप ये मकर आसन का पोज करते हैं तो इससे भी आपको स्टिफनेस दूर करने में बहुत मदद मिलेगी बहुत जल्दी, एंड दिस इज अ परमानेंट सॉल्यूशन। अगर आपने पेन किलर खाया, दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। ये करते रहेंगे लाइफ में तो एक तो मूड अप रहेगा और रिलैक्स रहेंगे, फ्री रहेंगे, स्ट्रेस आने का मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि जब भी थोड़ा बहुत दर्द होता है बॉडी में तो इंसान का माइंड डिस्टर्ब होता है और फिर वो अपने जो भी टास्क है उनको ठीक से नहीं कर पाता है। तो बॉडी भी एक टेम्पल है, इसका ध्यान रखना जरूरी है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो बहुत इजी एंड इट कैन बी डन एनी टाइम एनी पार्ट ऑफ द डे, जिसमें अल्टरनेट ये नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है कि एक से लेना दूसरे से छोड़ना, ये कोरोना टाइम पे बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको। कोरोना टाइम के लिए मैं जैन जी एक दो टिप्स देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पतंजलि योगपीठ से जुड़ी हूँ और स्वामी रामदेव जी एक तरफ वो कोरोनल किट तो दे ही रहे हैं जिसका जिसमें इंग्रेडिएंट्स हैं अश्वगंधा चूर्ण, गिलोय, ये टाइम टेस्टेड हर्ब्स हैं। अगर आपको गिलोय फ्रेश मिलती है तो वो खुद पिए या ये टेबलेट खा लें, इससे कोई हार्म नहीं है। और कुछ भी नहीं कर सकते तो एक 15 रुपीज का 15 रुपए मात्र का अनु तेल की बॉटल आती है, अनु तेल, तो उसको ले लें और वो आपकी एक साल चल जाएगी। उसको एक एक ड्रॉप नॉस्ट्रिल्स में जरूर डालें। उससे क्या होगा कि कोई भी कफ आपके यहाँ पे एकत्र नहीं होगा, और कोरोना का जो मतलब किसी भी वायरल इन्फेक्शन का जो इफेक्ट है वो ये पहले होता है कि आपका जुकाम बढ़ने लगता है, वो गला खराब होने लगता है, कफ बढ़ता है, तो वो प्रॉब्लम कभी होने की नहीं। आपका जो भी होगा थोड़ा बहुत वो स्नीज आउट हो जाएगा, छींक आ जाएगी, वो निकल जाएगा। मैं डेली ये एक एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रिल्स में रोज डालती ही हूँ। कोरोना है या नहीं है, हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन आए वो हम पे इफेक्ट ना करे। आपने बहुत अच्छी बात बताई राधिका जी की, कैसे मतलब अनुतेल की आपने बताई, ये हर स्टोर में मिल सकता है, उपलब्ध है ये? हाँ, स्टोर में मिल सकता है, और अगर अभी फिलहाल अगर आपको नहीं भी उपलब्ध है तो इवन जो सिंपल मस्टर्ड ऑयल है जो हम घर में सरसों का तेल जो सभी के पास होता है, उसके भी एक एक ड्रॉप डाल लेंगे वो भी ठीक है। और बेस्ट तो है अगर देसी घी, जैसे आजकल गर्मी है तो देसी घी नॉर्मल टेम्परेचर पे भी पिघला होता है जी। तो मेल्टेड है तो उसको एक एक ड्रॉप देसी घी की डाल लीजिए, वो भी वो माइग्रेन में भी बहुत हेल्प करता है। तो एनी काइंड ऑफ ऑयल, वैसे अनु तेल थोड़ा सा ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर अदरवाइज ये बाकी चीजें देसी घी डालने में भी जो क्लेरिफाइड बटर से हम निकालते हैं घर में तो बहुत कम कंजम्पशन है, एक एक ड्रॉप, तो वो भी यूज कर सकते हैं। इस पे इसको जरूर कर, उम्मीद करता हूँ जितने हमारे जो दर्शक गण हैं वो इस पे अनु तेल की अनुपालना करेंगे, और या घी है या घर में सरसों का तेल है उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितने हम नुस्खे आजमा सकते हैं इस दौर पे मैं समझता हूँ कि उतना कम, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन जो अभी आप भी पढ़ रही होंगे अखबार में कोई फुल प्रूफ वैक्सीन नहीं आई है, टेस्टिंग है, इमरजेंसी उस पे यूज हो रही है। तो ये तो एक दौर था राधिका जी जो आपने इतना सुंदर वर्णन जिसका किया कि कैसे स्ट्रेस को हम कंट्रोल करें, कैसे उसको हम मीडिएट करें, कैसे उसको मतलब कोशिश करें कि ना रहे हमारे पास। अब थोड़ा सा स्ट्रेसफुल वाले क्वेश्चन पे मैं आपका रुक ले लेता हूँ, क्योंकि आप हरिद्वार में स्थित हैं और हरिद्वार अभी चर्चा में रहा, पिछले 3-4 दिन से कुंभ का आयोजन था वहाँ पर, कई तस्वीरें मैंने घर में बैठे बैठे देखी, बाकी लोगों ने बैठे बैठे देखी, और ये प्रश्न का दृष्टिकोण एक वकील की तरह से भी है और आप क्योंकि एक जर्नलिस्ट हैं, एक आम नागरिक हैं, उसकी तरह से भी है। तो ये बताएं कि ये जो महाकुंभ हुआ तो इस पे बहुत तरह से हमारे देश में ये बोला गया कि जब आपको पता था कि कोरोना संक्रमण इतना बढ़ रहा है तो इतनी बड़ी तादाद पर क्यों, एक तो प्रशासन ने अनुमति दी लोगों को आने की, और अगर दी तो उससे कोरोना संक्रमण घटा तो नहीं वनस्पत और बढ़ गया, तो इस पे आपका क्या विचार है पहली बात, और दूसरा ये कि वहाँ का जो अनुशासन है हरिद्वार का जो लोकल प्रशासन है उसकी कितनी जिम्मेदारी बनती थी और कितनी जिम्मेदारी को उन्होंने पालन किया इसको लेकर।
सर वैसे एक बात तो है कि ये प्रशासन और इन्होंने कोशिश तो बहुत की थी ब्रॉडकास्ट करने की ये मैसेज, और कंपलसरी भी किया गया था कि कोई भी व्यक्ति कुंभ में आएगा तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है वेबसाइट पर, और आरटीपीसीआर रिपोर्ट 72 आवर्स पहले की देनी है, नेगेटिव रिपोर्ट, ये कंपलसरी था। और हमने मीडिया के नाते हर पेपर में, हर चैनल पे ये प्रोपेगेट भी किया। उससे ये तो इफेक्ट हुआ कि भीड़ तो बहुत कम आई, जो आम आदमी था, मेरे खुद के बहुत से फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे फोन पे कहा था कि इस बार तो कुंभ मेला सिर्फ 1 महीने का ही है, पहले तो 4 महीने का होता था हरिद्वार में, तो भाई एक दिन हमको डुबकी लगा देना, हम सुबह आएंगे शाम को चले जाएंगे, पर वो भी नहीं आए। आम आदमी तो जो थोड़ा सा भी अवेयर है वो नहीं आया, पर हाँ जो साधु संतों के अखाड़ों में वो इस तादाद में लोग आ गए, जो नागा साधु हैं, जो कुछ भक्त हैं, कि वो स्नान के टाइम, वैसे शाही स्नान का टाइम तो बहुत लंबा नहीं है, 2 दिन शाही स्नान था अप्रैल में, एक सोमवती अमावस्या का मेन जहाँ पे भीड़ बड़ी, और एक वैसाखी का, वैसाखी का मेन होता है, तो उस दिन एकदम से जब इतना हुजूम आया, और मेन चीज होती है कि पेशवाई, वो लोग अपने एक रॉयल प्रोसेशन में चलते हैं हर की पौड़ी में अपने पूरे लाम लश्कर के साथ में, क्योंकि वो अपना इट्स अ शो ऑफ पावर कि हाँ अखाड़े, ये वॉरियर सेंट्स होते हैं नागास जो हैं, आप सब जानते हैं कि नागास को तब बनाया गया था कि जब वो लड़ाई, जब मुगल्स और बाकी फॉरेन इन्वेडर्स हमारे यहाँ आए थे, तो राजाओं के साथ लड़ने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए ये नागा साधु बनाए गए थे। तो अभी तो पीसफुल टाइम है, अभी कोई वॉर नहीं है, तो इन लोगों का जो एक्टिविटी होती है वो वैसे है कि धर्म को प्रसार करना, और नागा साधु तो निकलते भी सिर्फ 12 साल में एक बार ही है। हाँ जब 3-3 साल में दूसरी जगह पे प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में होगा, तो वहां पे भी ये लोग जाते हैं, हरिद्वार में 12 साल के बाद ही आएंगे। तो सबको क्रेज था कि अरे 12 साल का पीरियड के बाद में ये होने जा रहा है पूर्ण कुंभ मेला, तो इसमें ये भव्य हो, मतलब सरकार के भी ये दो शब्द टैगलाइन थी, भव्य होगा और दिव्य होगा। तो जब भव्य की बात आती है तो भव्य मीन्स ग्रैंड, तो ग्रैंड में इन लोगों का ग्रैंड यही है कि बहुत से लोग होंगे, बहुत से साधु चलेंगे एक साथ में, तो जो बाहर से आए उससे ये जब टेस्टिंग हुई तो ये पता चला कि काफी लोग कोरोना पॉजिटिव थे, तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगी कि प्रशासन की गलती रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा, जो अभी नए वर्तमान में चीफ मिनिस्टर आए हैं तीरथ सिंह रावत, तो उन्होंने भी अखाड़ों के दबाव तो वर्ड में नहीं यूज कर सकती, पर उनके इन्फ्लुएंस में आके एकदम कह दिया था कि हाँ कोई भी आ सकता है यहाँ पे, एवरीवन इज फ्री टू कम, बस वो 2 गज की दूरी मेंटेन करें और मास्क पहने। तो जब ये पेशवाई निकली तो उसमें मास्क का प्रयोग नहीं हुआ वो अखाड़ों द्वारा, और 2 गज की दूरी भी मेंटेन नहीं हो पाई, क्योंकि हर की पौड़ी का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, प्रयागराज का, अनलाइक प्रयागराज वहां पे बहुत गंगा का पार्ट बहुत चौड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा कम वाइड है वो, तो उससे ये थोड़ा क्योटिक हो गया। तो उसमें फिर जब हमने आईजी संजय गुंजियाल जी, जो कुंभ में इंस्पेक्टर जनरल जिनका ड्यूटी था, उनसे जब बात किया तो उन्होंने बोला कि ऐसे समय में अगर अखाड़ों को मैं रोकता, अगर वो अखाड़ा साधु जब निकल रहे थे अगर उनको रोका जाता तो स्टैम्पीड होने का डर था, तो इसलिए कहते हैं भीड़ को और पानी जब ज्यादा हो जाए तो उसको रोकना नहीं चाहिए। तो वो थोड़ा सा दबाव बढ़ा और वो मतलब ऐसा, फॉर्चुनेटली जो अभी तक कुंभ मेला में होता आया है, 2010 में भी हुआ था और 1986 में भी, कि स्टैम्पीड के कारण कुछ मौतें हुई थी, एक बार पुल टूट गया था, वो घटना तो नहीं हुई, वो तो बच गई, लेकिन हाँ
ये जो कोरोना का है इफेक्ट, ये एकदम से 1 महीने में ही ऐसी खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र में ज्यादा बढ़ने लगा है, दिल्ली में उधर, तो वहां से कुछ लोग आए। अभी अभी जो एक कोरोना संक्रमित साधु की मौत हुई है, कपिल गिरी, तो उनका भी, वो महाराष्ट्र से आए थे। तो ऐसा समझ में आया कि जो बाहर से आए थे, दे ब्रॉट द इन्फेक्शन एंड इट गॉट स्प्रेड। तो लॉ एंड ऑर्डर, आप खुद लॉ एंड ऑर्डर के मतलब सेवियर है, उसको प्रोपेगेट करते हैं, उसको मानने वाले हैं और जनता तक पहुंचाते हैं। तो जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मैं मानती हूँ कि इसको रोका जाना चाहिए था, इतना ज्यादा अलाउ नहीं होना चाहिए था। और लकीली अभी जयंत जी कल ही इन्होंने अनाउंस कर दिया है, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने, कि वे अपने इसको मतलब क्लोजर अनाउंस कर दिया है कि वो आगे कुंभ मेला में शाही स्नान उतने भव्य रूप से नहीं करेंगे, 15-20 साधु ही जाएंगे और बाकी लोग भी उनको करना चाहिए। अभी शंकराचार्य कुछ मठों के इसमें दो राय बनाए हैं कि कुंभ तो वो नक्षत्र और स्टार्स और कॉन्स्टिलेशंस के इफेक्ट पे होता है, तो उस टाइम पीरियड को शॉर्ट नहीं किया जा सकता है, पर अगर परिस्थिति ऐसे बन जाए तो कर देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी इसको अभी नैरो डाउन कर देंगे, थोड़ा कम रूप में, व्यवस्थित रूप में ले आए, ऐसा आपने जी बड़ी उम्मीद अच्छी बात जताई कही जा जी रही है। राधिका जी की, पानी की गति और लोगों की जो एक अपनी जो धारणा होती है उस वक्त, उसको काबू में लाना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भगदड़ जो स्टैम्पीड की आपने बात की वो है, और अगर वहाँ पे जो लॉ या लॉ ऑर्डर जो एजेंसीज होती हैं वो अगर तैनात हैं, या उनके अगर नंबर कम हो या लाठी चार्ज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके जी अलावा कोरोना तो फैल ही रहा है, उसके अलावा जो एक अलग लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन अपने आप को प्रेजेंट कर सकती है, वो थोड़ा मैं समझता हूँ कि एक घबराने का विषय बन जाता है। हाँ तो जी एक सवाल मेरे से और निकल के आ रहा है राधिका जी, कि प्रशासन ने, चलिए आपने ये बात बखूबी कही कि कुछ हद तक अपना काम किया और जो वो कर सकते थे, जितनी सरलता सहजता समझा सकते थे, और क्योंकि एक डेथ भी हो गई है इसमें अनफॉर्चुनेटली, तो उसके बाद अखाड़ों का अपना मत निकल के आ रहा है कि इसको हम थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी निभाएं, इसको थोड़ा कम करें, जी लोगों जी को सेफ रखें, और इसमें जर्नलिस्ट का कितना अहम रोल है, क्योंकि मैं कई बार, मैं तो इतना टीवी देखता नहीं पिछले 10-12 सालों से, लेकिन अखबार जरूर पढ़ता हूं, और अब आजकल क्योंकि हम स्मार्टफोन से जुड़े रहते हैं, आपने बताया कि कहीं ना कहीं खबर ट्रिकल डाउन कर जाती है, तो उसमें ये होता है कि बहुत मीडिया फिर दोषारोपण शुरू कर देती है एक दूसरे का, और उसको मिर्च मसाला लगा के दिया जाता है, सेंसेशनलाइज करने के सेंसेशनलाइज कर लिए। देती है, कि उसमें आपका क्या कहना है, क्योंकि आप तो मतलब लिटरली इन द हार्ट ऑफ हार्ट है, आप हरिद्वार में हैं, आप ये सब देख रही हैं, तो कितना मीडिया जो बता रही है लोगों को सच है, कितना सच नहीं है, तो इस पे आप जरा कुछ रोशनी जयंत जी, डालें। आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को टच किया। बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं जानती हूँ कि न्यूज को कैसे परोसा जाता है, और हम लोग मीडिया सेंटर में बैठे, वहां पे डेस्क पे ये डिसाइड हो जाता है, अरे मैंने तो ये लिखा कोरोना बम विस्फोट हुआ, अरे मैंने तो मतलब बहुत बार वो कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बनाना, जी इसमें मीडिया का नेगेटिव रोल हुआ है, जो जिसके लिए मुझे दुख लगता है। एक बैलेंस्ड स्टोरी देना कि हाँ ऐसा हुआ, पर इस साथ ही इसके लिए काउंटर ऐसा कर दिया गया है, तो वो एक इंसान को उतना दहशत में नहीं लाता। आम रीडर जब हेडलाइन पढ़ता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक न्यूज को जब बार 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 किया जाता है, तो वो ब्रेन वॉशिंग से हो जाती है कि जैसे कोरोना के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है जीवन में। तो इतना उसको मतलब हमें, वी शुड बी सेंसिटिव एज ए मीडिया पर्सन, मैं खुद भी फील करती हूँ कि मेरे को इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि मेरी बात से क्या इम्पैक्ट जा रहा है, तो मैं उसको उतना सेंसेशनलाइज ना करूं। और ग्रेविटी है, कंसर्न होना अच्छी बात है कि हम लोग मीडिया, उसको जरा सी बात हो तो आगे इसका परिणाम ज्यादा बुरा ना हो जाए, तो पहले ही चेक पोस्ट मतलब वॉच डॉग है मीडिया, तो पहले से चेक लगाने के लिए कोशिश करता है, पर उसके साथ साथ
एक थोड़ा समझदारी का भी एक रीडर को और व्यूअर को देखना है कि लैक्स ऑफ पीपल उसमें से 700 का डाउटफुल हुआ है और एक की मौत हुई है, तो परसेंटेज बहुत कम है. इसके लिए इतना दहशत में आने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल हो जाएगा और सभी लोग अलर्ट हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी अभी अखाड़ों में जाकर चेक कर रही हैं, सभी का टेस्ट ले रही हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट भी. और ऐसा भी एक पॉजिटिव पॉइंट था कि बॉर्डर्स पे कई बसेस को रिटर्न किया गया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से. उत्तराखंड बॉर्डर, नारसन बॉर्डर पे जैसे ही वो लोग आते थे, तो अगर किसी के पास रिपोर्ट नहीं है आरटीपीसीआर तो कुछ लौटाए गए हैं. मतलब एफर्ट्स की गई. मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल प्रशासन सोया हुआ था या स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार नहीं थी. तैयारी थी पर थोड़ा कम पड़ गई जब अखाड़ों का दबाव, जब थोड़ा भीड़ का दबाव बढ़ गया. और फिर भी समय रहते सभी लोग जाग गए हैं. और अभी जो एक ही स्नान बचा है 27th का, तो वो मुझे लगता है कि काफी सूक्ष्म रूप में होगा और सब लोग केयरफुली उसको फॉलो करेंगे तो ये आगे बढ़ने से बच जाएगा. मेरा ऐसा, आई एम वेरी मच पॉजिटिव इन अप्रोच. और सभी का सहयोग मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि एक दो शंकराचार्य जी जो जिन्होंने कहा है कि हम अभी क्लोजर नहीं करेंगे कुंभ मेला का, तो वो भी इस बात को समझ जाएंगे और उतना ग्रैंड रूप में नहीं करेंगे. बाकी छोटी मोटी आपकी भी पूजा अर्चना आश्रम में चल रही है, उसके लिए कोई रोक नहीं होगी, प्रशासन भी नहीं करेगा. पर एक वो जो भव्य रूप देने वाली बात थी उस पे चेक लगेगा. तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड होपफुल कि ऐसा बाकी लोग भी मान जाएंगे. और ये जो सीरियस सिचुएशन हो गई थी उसको हम आगे कंट्रोल कर लेंगे. तो अंतिम सवाल की तरफ चलता हूँ राधिका जी, इसमें क्योंकि आप काफी समय मैंने ले लिया. आपने बहुत अच्छी अच्छी आज हमें बातें बताई कि कैसे हमें योग की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए. साथ ही में मैंने आपसे दोनों किस्म के सवाल किए कि स्ट्रेस रिलीविंग भी और स्ट्रेस इंड्यूसिंग भी, कि दोनों तरह से जनता किस तरह स्ट्रेस में आती है. और स्ट्रेस में आने की वजह जो मैं समझता हूँ ये है कि जो स्पीड है इन्फॉर्मेशन की आज की तारीख में नैनो सेकंड्स में होती है. आपने सही बताया, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है. अगर मैं अपने स्मार्टफोन देखूं, इंस्टाग्राम देखूं, फेसबुक या कुछ भी देखूं सोशल मीडिया चैनल, तो उसमें उसी इमेज को आपने सही तरीके से बताया कि रिप्ले इतनी बार किया जाता है कि हमें लगता है कि वही हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, चाहे मैं अपने घर में सिक्योर बैठा हूं, लेकिन वो जो मानसिकता बना दी जाती है तो एक वो जो मनोवेश की स्थिति आ जाती है कि भाई ये मेरे साथ भी हो रहा है, तो वो एक भय का जो संचार हमारे वो करती है. तो उससे स्ट्रेस तो होगा ही, डिप्रेशन भी होगा, बहुत तरह की चीजें हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं. तो आखिर में सिर्फ आपसे ये सवाल तो नहीं, टिप्पणी के तौर पे जाना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छा सा आप एक मैसेज दें और उस मैसेज के साथ इस शो की हम समाप्ति करना चाहें. मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा चीजों को सुनकर रिएक्ट मत करें. चीजें हो रही हैं अच्छी या बुरी, आज कोरोना पीरियड है, कल कुछ और होगा, तो कभी भी जो हमें सुनी सुनाई बात है उस पे इतना ज्यादा अटेंशन देके खुद को डिस्टर्ब नहीं कर लेना चाहिए. अगर मैं अपनी बैलेंस्ड लाइफ लीड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे आसपास के एनवायरनमेंट का उतना फर्क नहीं पड़ेगा. कुछ भी हो जाए, मैं अंदर से काम, शांत, पीसफुल रह सकती हूँ. चाहे मेरे बाहर कितनी भी आंधी चले, मैं अपने कमरे में, कमरे में मतलब अपने अंदर, अपने इंटीरियर, अपने हार्ट में, अपने सोल में, अगर स्वस्थ का अगर आप लिटरल मीनिंग देखें तो स्व अगर मैं अपने
आई एम सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था. नो प्रॉब्लम. अगर मैं खुद में कंटेन्ड हूँ, हाँ, अगर मैं खुद में कंटेन्ड हूँ, इस्टैब्लिश्ड हूँ, अपने स्व में स्थित हूँ, तो मुझे बाहर की कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करेगी, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो सार्स वायरस है, चाहे वो कोई भी एपिडेमिक है, तो मैं उसको लेने में बैलेंस्ड माइंड से अगर लूंगी तो मेरे पे वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगी. अलर्ट होना अलग बात है, मुझे पता है कि वहां इन्फेक्शन है तो मैं वहां नहीं जा रही हूँ, वो बात अलग है. लेकिन मेरे को दहशत हो जाए कि मैं जिंदगी में एक बार कभी एक्सीडेंट हुआ था तो रोड पे निकलूंगी नहीं, ऐसा नहीं है. सब लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट हो रहा है और हो जाएगा, कोई ऐसी एनार्की नहीं फैलेगी. इसलिए प्लीज दहशत में मत आए, केयरफुल रहें, स्वस्थ रहें, अपनी रूटीन को फॉलो करते रहें, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रखें उस सूरज के साथ में. सूरज उगता है, हम लोग एक्टिव होते हैं, एनर्जी बढ़ती है. सूरज ढलता है, हमारी एनर्जी डाउन होती है, हम रिलैक्स करते हैं. ऐसी अगर रूटीन मेंटेन करेंगे तो हम एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे, शांतपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे और सदा मुस्कुराते रहेंगे और दूसरों को भी मुस्कुराहट दे पाएंगे. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी, आपने इतनी स्वास्थ्यवर्धक और ज्ञानवर्धक आज हमें बातें बताई. मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक इस पर अमल करेंगे और जो हमारी एक छोटी सी मुहिम है इस चैनल सुयुसुम के जरिए, उस तक ये बात, आपकी बात और लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि कम से कम भय लोगों में विकसित हो और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का संचालन हो. और अगर मेरे दर्शकों से एक और अपील है, अगर आपको हमारे चैनल समझ आता हो तो इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एक बार और राधिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को अपने ज्ञान से अवगत कराने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.